కదిరిలో ఈద్గా మైదానంలో నమాజ్ ప్రార్థనలు వేలాది మంది ముస్లిం సోదరుల భక్తి శ్రద్ధలతో నమాజ్ ప్రార్థనలు నిర్వహించారు. ముస్లిం సోదరులతో పాటు ఎమ్మెల్యే పివి సిద్ధారెడ్డి, మాజీ ఎంపీ నిజాముద్దీన్, చైర్మన్ నజీమ్ మునిసా సాదిక్ బాషా, మాజీ మంత్రి షాకిర్, మాజీ ఎమ్మెల్యే అత్తర్ చాంద్ బాషా, మాజీ ఎమ్మెల్యే టీడీపీ ఇన్ఛార్జ్ కందికుంట ప్రసాద్, వైఎస్ఆర్సీపీ నేతలు డాక్టర్ బత్తల హరిప్రసాద్, డాక్టర్ బత్తల వెంకటరమణ, పూల శ్రీనివాసులు రెడ్డి, పవన్ కుమార్ రెడ్డి, కెఎస్ బహుద్దీన్, బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు వజ్ర భాస్కర్ రెడ్డి నమాజు ప్రార్థనలో పాల్గొన్నారు. کہ تم اپنے امتحان کے اندر
हजारों फीसद खड़े उतरे हो, कामयाब हो गए हो, कामयाबी का परवाना हमने अता कर दिया है। कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, हम ऐसे ही अब एहसान करते हैं, ऐसे ही हम बदला देते हैं। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, इस वाकिए से, इस अमल से ये पैगाम मिलता है उम्मत के लिए, उम्मत के लिए पैगाम है कि हम हर हाल में अल्लाह की मान कर चले। दुनिया के हालात कुछ भी हो जाए, जालिमों का जुल्म कितना ही बढ़ जाए, हालात कितनी भी खराब क्यों ना हो जाए, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हर वक्त हर सामान हर लम्हा हमारे साथ है। ये साथ कब होगा, अल्लाह की रहमत कब नाजिल होगी, अल्लाह की मैयत कब आएगी, अल्लाह की नुसरत और मदद कब आएगी, इस बात को जहन में रखें कि जब तक हम अल्लाह के उसके रसूल की मांग करना चलें, अपने ईमान को मजबूत ना करें, खुदा के सामने हम अपने आप को ना झुकाएं, तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, फिर हम इस उम्मीद से ना रहें कि अल्लाह भी हमारे साथ होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जितने हम करीब होंगे, जितनी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों को अपनी जिंदगी में लाएंगे, इतने ही अल्लाह के करीब और उसके रहमत के मुस्तहिक होंगे। अगर इससे हटकर हमने जिंदगी गुजारी, आपने मदीन सरवरे कौलैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़ा, आपकी सुन्नतों से मुंह मोड़ा, तो फिर अल्लाह की रहमत भी हमसे दूर चली जाए। दुनिया की छोटी सी छोटी हिफाजत